गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज राजेश एंड टुडे वंस अगेन आई केम इन फ्रंट ऑफ यू विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द दिल्ली सुल्तान्स इन हिस्ट्री चैप्टर 3। डियर स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर इन माय लास्ट वीडियो वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स सच एज how Delhi become important, how the slab dynasty established here, some results fact also we studies as masjid architectures, some historical points, some historical sources such as Tuareg. So in this video we are going to teach you, actually this is the topic related to that, it is a comprehensive study about the Khilji dynasty and the Tughlaq dynasty. Through this video we are able to know that how under the Khilji and Tughlaq dynasty and administrations and consolidation of Sultanate become so huge or so powerful. In the same topic we discuss so many things. When we discuss about the Khilji and Tughlaq administrations and consolidations of Delhi Sultanate, we discuss so many things such as number three, I'm coming to the number first, role of slab in administrations, Ikta and Iktida, we will discuss in the next video. And how the Mongol attack, Tughlaq and Khilji, it is a एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि जब मंगोल अटैक होता है दिल्ली पे तो कैसी ये दो डायनेस्टी उस अटैक को या तो प्रोटेक्ट करती है या उसपे सक्सेसफुली विक्ट्री भी उनकी होती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, मंगोल एक जान लें, मंगोल क्या है तो मंगोल आपने देखा ना, वो जो ऐसे आते हैं आपको सिखाए हुए कहते हैं चाइनीज, यस, तो एक ट्राइबल सोसाइटी है जो चाइना जो है मंगोलिया की तरफ है, इसलिए उसको मंगोल कहा जाता है। तो ट्राइबल सोसाइटी है, बहुत ही बर्बर सोसाइटी, बहुत ही बर्बर प्रजाति होती है, जिसमें हम चंगेज खान के बारे में देखेंगे, जिनका मेन एम ही होता है प्लंडर करना और डिस्ट्रॉय करना। सो टुडे वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द रोल ऑफ स्लैब इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि शासन में स्लैब का क्या रोल रहा, क्या भूमिका रहती है, क्यों इसे हम मामलों या स्लैब डेंसिटी कहते हैं। नो डाउट अगर हम स्लैब डेंसिटी कहते हैं तो डोमिनेट करेंगे यहाँ पे स्लैब्स। अब कैसे इसी चीज को इस वीडियो के थ्रू हम देखने का प्रयास करेंगे। फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर वाज रिक्वायर्ड डेफिनेटली। अब एक इंडिविजुअल जो सुल्तान है इतने बड़े लाल दिल्ली सल्तनत पे, वो पीसफुली कह लो या सक्सेसफुली कह लो, एडमिनिस्ट्रेशन तो कर ही नहीं सकता है। नो डाउट उसे कुछ हैंड चाहिए, उसको कुछ और असिस्टेंट चाहिए, और वो असिस्टेंट कैसे होनी चाहिए, जो रिलायबल हो, जिन पे सुल्तान ट्रस्ट कर सके, जो सुल्तान के लिए काम कर सके। तो यही जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली फ्लरिश कराने के लिए या कंसोलिडेट करने के लिए दिल्ली सल्तनत को सुल्तान नेड्स गवर्नर्स, विच गवर्नर, रिलायबल गवर्नर। अगर किसी भी गवर्नर को ना देंगे तो उनका रिपेल कर देगा, फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जो अपने हेल्प के लिए रखा है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे, क्यों हम स्लेव डायनेस्टीज को कह रहे हैं, है ना, कैसे जो है सुल्तान जो है एरिस्टोक्रेट को अपने हेयर्स ना बना करके और उनको यह हाई पॉलिटिकल पोजिशन करके स्लैब को देते हैं। ये चीजें हम समझ जाएंगे इस वीडियो के अंत खत्म होते होते। सो फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, रिलायबल गवर्नर एंड
ताकि इनको कंसंट्रेट किया जिसके आसानी से स्मूथली इसको चलाया जा सके, आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, आसानी से दिल्ली सुल्तान के अंडर कंट्रोल हो सारे, चाहे इंटरलैंड हो या फिर आप एक्सटर्नल फ्रंट की बात कर लें। सो व्हाट हैपेंड रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स, व्हाट है एरिस्टोक्रेट्स? एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है कि सुल्तान के ही रिलेटिव्स, चाहे उसके इन द फॉर्म ऑफ सन हो या कोई उसके नेफ्यू हो या उनसे कुछ भी रिलेवल हो, जिसको हम एरिस्टोक्रेट कहते हैं। शाही दल, शाही लोग, शाही लोग जो राजा के परिवार से ही है, जो कनेक्टेड है। तो राजा दल अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स, इन एरिस्टोक्रेट्स को अपॉइंटिंग करने की अपेक्षा एंड लैंडेड मैन दैट इज अ वेल्दी मैन, अ चिल्ड्रेन, जिनके पास बहुत सारे लैंड है, जमींदार कह सकते हो, लैंडेड मैन, अब वो हायर पोजिशन पे है, पावरफुल पर्सन है, और जो उस वक्त की स्टेरियोटाइप्स भी होती है कि हायर सोसाइटी के लोगों की जो है रूल करना चाहिए, लोअर सोसाइटी और लोवेस्ट बॉर्न जो है पीपल्स को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं वो एक्सेप्ट करते हैं, ये सब की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड मैन एज गवर्नर, कि इनको गवर्नर बनाने की अपेक्षा, चाहे वो लैंडेड मैन हो या फिर एरिस्टोक्रेट हो, क्या करते हैं, सजेशन क्या है, क्या उनका डिसीजन? दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कौन है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, आप जानते हो 1192 में पृथ्वीराज चौहान हारते हैं, मोहम्मद गौरी को डिफीट करता है, इसको हम सेकंड बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। फिर ये मोहम्मद गौरी यहाँ पे आता है और एक स्लैब डांस की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का स्लैब ही होता है, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लैब होता है इल्तुतमिश, जो उसका दामाद भी होता है, उसकी सिस्टर का ये पति भी होता है, और इल्तुतमिश जो है सुल्तान बनाता है अपने किसको, पुत्री को, रजिया सुल्तान को, जो कि एक बहुत ही मेजर स्टेप्स होता है इंडियन हिस्ट्री में, और उसके क्या क्या है स्टोरी में हम रजिया सुल्तान के बारे में जान चुके हैं, चाहे व्यास राज ने जो कहा है या फिर क्रॉनिकल्स में जो लिखा है, इसके बारे में देखे हैं कि कौन बल्ब कैसे जो है अल्बुनिया से उसकी शादी होती है और नोबल्स कैसे उसके गफा होते हैं, फिर उसकी हत्या चली जाती है और बल्ब जो है मामू डायनेस्टी पे नेक्स्ट जो है सुल्तान बनता है। तो ये कह रहे हैं कि वो क्या करता है, फेवर करता है, पक्ष लेता है किसका, स्लैब का, और स्लैब को एक पर्सियन वर्ड बंदगान, सो आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है ग्रुप वर्ड बंदगान, तो स्लैब ही बंदगान है, ठीक है। सो दैट इज द नाउ स्पेसिफिक फेवर स्लैब टू बी अपॉइंटेड ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स, बिकॉज अब इल्तुतमिश बहुत सारे हम देखोगे तो मामूल ब्यास जी में सारे सुल्तान, चाहे वो आगे खिलजी हो या तुगलक हो, तुगलक के तो और भी उसकी क्रिटिसाइज होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इल्तुतमिश बड़ा फेवर करता है, बहुत ज्यादा फेवर करता है, और रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट और लैंडेड मैन, दे फेवर टू अपॉइंट स्लैब्स और बंदगान इन हाई पॉलिटिकल पोजिशन। अब ऐसा वो क्यों करता है, वाई क्या रीजन है कि अपने स्लैब को, तो स्लैब आप जानते हो तो स्लैब है तो क्या मतलब है कि पूरी तरीके से आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्लैब पूरी कंप्लीटली डिपेंड होता है अपने मास्टर पे, मास्टर जो कहता है उसको वो फॉलो करता है, तो मास्टर दादरी सुल्तान उन पे ट्रस्ट कर सकते थे। और एरिस्टोक्रेट क्या है, तो एरिस्टोक्रेट एक ट्रांसपेरेंसी करते हैं, सजेस्ट करते हैं, आप पूरी हिस्ट्री में देखो कि अपने वो चाचा को डेथ कर देता है, पुत्र जो है पिता को मार डालता है, तो ये एक सरह से चलता रहता है, तो ये सुल्तान ऐसा चाहते नहीं है, इसलिए वो लैंडेड मैन या फिर एरिस्टोक्रेट की अपेक्षा स्लैब को फेवर करते हैं, टू बिकम द हायर मिलिट्री, हायर पॉलिटिकल पोजीशन। अभी क्यों करते हैं, तो स्लैब एंड क्लाइंट्स, अच्छा क्लाइंट भी क्या होता है, क्लाइंट युद्ध के दौरान जीते गए लोग होते हैं जो पूरी तरीके से अपने मास्टर या पैट्रॉन को ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड होते हैं अपने मास्टर या पैट्रॉन पर।
तो स्लैब एंड क्लाइंट डिस्कस की परचेस फॉर मिलिट्री सर्विसेज। अब इस परचेस की जा जाते हैं, आप देखोगे स्टीमिंग तो जब युद्ध होता था तो दासों को खरीदा जाता था, ये स्लैब करते हैं, लोगों को खरीदा जाता था, दासियों को खरीदा जाता था, है आज कानून रूप से अपराध है, आप नहीं कह सकते हो, आज सभी लोग इंडिपेंडेंट है, सबके ह्यूमन राइट्स है, आज हम किसी को वो परचेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जब हम इसकी मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे तो उस पीरियड में ऐसे कंडीशन थे कि सुल्तान जो है जिस राज्य को जीतता था वहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट लोग होते थे या फिर जो प्रीशियस लोग होते थे, जो पॉपुलर होते थे या ऐसे भी स्लैब को वो परचेस किया करते थे। स्लैब एंड क्लाइंट वर टोटली डिपेंड अपॉन देयर मास्टर। स्लैब और क्लाइंट ये पूरी तरीके से डिपेंड होते थे, वे एक कह सकते बहुत ही फैथफुल होते थे टू वॉज देयर मास्टर, ये टोटली उन्हीं पर डिपेंड होते थे, जिसे कोई एक ही बात सोचते थे वो अपने आप को मानते नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये हमारे मास्टर्स हैं, ये इन्होंने हमारे पेट्रोल से इन्होंने हमें परचेस किया हुआ है। सो दैट इज व्हाई सो दिस स्लैब्स एंड पेट्रोल अ ट्रस्टेड पर्सन फॉर द सुल्तान्स, द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाय ऑन देम, सुल्तान इन पे ट्रस्ट कर सकता था, इन पे विश्वास कर सकता था कि ये हमारे खिलाफ जो है ट्रांसपेरेंसी या फिर षड्यंत्र या फिर कर सकते हो कि रिबेल नहीं करेंगे, जबकि एरिस्टोक्रेट्स और लैंडेड कैट ये तो कभी भी कर सकते हैं, अपने पावर को स्ट्रेंथ करने के लिए बढ़ाने के लिए वो सुल्तान के खिलाफ भी कर सकते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, तो उसका जो कंसोलिडेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए ये इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी, हम आगे तुगलक भी देखेंगे मोहम्मद तुगलक को, प्रिफर करते हैं टू हायर पोजिशन फॉर द स्लैब्स एंड क्लाइंट्स। अब हम इसी प्रोस्पेक्टिव में पढ़ेंगे खिलजी एंड तुगलक, स्पेशली ये दो तुगलक पढ़ रहे हैं, मैंने आपको लास्ट पिछले वीडियो में बताया था, आपके टेक्स्ट बुक में पॉइंट आउट फोकस किया गया है स्पेशली टू डायनेस्टीज पे, खिलजी एंड तुगलक, वो भी खिलजी अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदरगाह फॉर हायर पॉलिटिकल पोजीशन एज जनरल एंड गवर्नर्स, खिलजी और तुगलक भी इसको कंटिन्यू करते हैं, इसी ट्रेडिशन को अपनाते हैं कि बंदरगाह बंदरगाह मुआज बंदरगाह सुनोरा स्लैब्स वर्ड बंदरगाह स्लैब्स को ये बंदरगाह कहते हैं, तो खिलजी और तुगलक भी इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हैं और हाई पॉलिटिकल पोजीशन पे वो मैक्सिमम बंदगान स्लैब या क्लाइंट को ही अपॉइंट करते हैं। लेकिन है ना, ये सिक्के के दो पहलू, पहला पहलू कि स्लैब जो है ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं सुल्तान इन स्लैब्स को, वे फेथफुल होते हैं, वे पूरी तरीके से डिवोटी होते हैं टू देयर मास्टर एंड पैट्रॉन्स। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है वो भी हम डिस्कस करेंगे, हाउएवर दिस आल्सो इंक्लूड्स एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इसकी अपेक्षा ठीक है, ये अच्छी बात है सुल्तान के पक्ष में है, लेकिन दूसरा पक्ष है कि ये ट्रेडिशन जो है एक तरीके से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है, इनस्टेबिलिटी अस्थिरता हो जाती है। अब अस्थिरता कैसे होती है, इनस्टेबिलिटी कैसे क्रिएट हो जाता है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्लेव एंड क्लाइंट दे आर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हैस। अब ये मास्टर और पैट्रॉन्स के प्रति तो लॉयल होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, उनके दर्शकों को ट्रस्ट कर सकते हैं या डिवोटी होते हैं मास्टर और पैट्रॉन्स के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके हेयर्स के लिए भी, उनके उत्तराधिकारियों के भी में उतने ही लैंड या उतने ही फ्रेथफुल हो, या हेयर्स जो है इन पैट्रॉन्स और क्लाइंट पे क्लाइंट और स्लैब्स पे डिपेंड हो, ट्रस्ट कर सके, ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे सोच लो कि अब के समय में जो स्लैब होंगे जो हायर पोजिशन पे होंगे और इल्तुतमिश का जो हायर पोजिशन पर स्लैब्स होंगे, तो एक ओल्ड और न्यू के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब जो स्लैब कुतुबुद्दीन ऐबक के लॉयल है
वो जरूरी तो है नहीं कि वो इल्तुतमिश क्यों, तो इल्तुतमिश क्या करेगा, वो अपने लॉयर स्लैब ऑफ माइंड पर पॉइंट करेगा। तो ये कंडीशन, अब इल्तुतमिश है, रजिया हो गई, तो अब देखो रजिया याकूब को देती है, याकूब जो है उसका पोजिशन कुछ नहीं होता है इन द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश। तो ये न्यू जो हेयर्स होते हैं वे अपने लॉयर और अपने ट्रस्ट रिन्यू कर सकते हैं, ऐसे स्लेव को हायर पॉलिटिकल पोजीशन पे रखते हैं। और ये कंडीशन एक कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ओल्ड एंड न्यू स्लैब्स ऑफ क्लाइंट के बीच। दिस सिस्टम वॉज नॉट लाइक बाय मेनी अलाइड एंड ऑथर ऑफ कॉलिक। अब अलाइड क्या है, अलाइड लर्नेड मैन नोबल पर्सन है, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑथर ऑफ तारीख, तारीख मैंने आपको बताया था कि कोर्ट में रहते हैं और रूलर के सुल्तान के हिस्ट्री को लिखा करते हैं। तो बहुत सारे सारे हमने एलाइट्स और सारे ऑथर को नहीं कहा है, मेन मेनी ऑथर एम्प्लाइड अलाइड क्रिटिसाइज दिस सिस्टम, इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशली तुगलक को, जियाउद्दीन बरौनी जो कि क्रॉनिकल्स हैं वे क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत सारे राइट्स ये मानते हैं ड्यूरिंग द चंद्रयान तुगलक पीरियड कि ये जो स्लैब्स हैं जिनको गवर्नर बनाया जा रहा है या जनरल बनाया जा रहा है, ये इसके योग्य नहीं है, कैपेबल नहीं है, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप्स है कि दे आर लो बॉर्न पर्सन, एक निम्न समूह में पैदा हुए हैं और उनको इतना हायर पोजीशन देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पॉलिसी ये फेल्योर बताते हैं, जैसे हम मोहम्मद तुगलक वो अपने स्लैब रखता है गार्डनर को, बार्बर को, कुक को, तो जियाउद्दीन बरौनी लिखते हैं दैट इज द फेल्योर ऑफ एंड इनवर्जन ऑफ तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन, इनका वो क्रिटिसाइज करते हैं कि ये उनकी अदूरदृष्टता है, ये पॉलिटिकल इनकैपेसिटी है, तो वे मोहम्मद तुगलक को भी क्रिटिसाइज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस ओनली वन पॉइंट, रोल ऑफ स्लैब इन एडमिनिस्ट्रेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इक्ता एंड इक्तदार, एंड मे बी वी विल डिस्कस हाउ टू रिएक्ट ऑफ खिलजी एंड तुगलक when Mongol attack on Delhi। Till then, I hope आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, आप क्रिटिसाइज ही कर रहे हो, आप विदाउट एनी एजुकेशन आप अपने सजेशन दे सकते हो। Till then, have a nice day। Thank you।